नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि EMRS JSA 2023 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। अगला जो स्टेज है आपका वो है टाइपिंग। टाइपिंग से रिलेटेड आपके दिमाग में ढेर सारे डाउट हैं, तो आज जितने भी आपके डाउट हैं उन सबका आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। जैसे कि आपका टाइपिंग जो है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उसके अलावा यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई है, तो वो स्कोर जो है वो आपको किस तरीके से, मतलब आपको किस तरीके से स्कोर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा, टाइपिंग जो होगा उसका इंटरफेस कैसा होगा, पूरा कंटेंट शो होगा या उसका 1/3 शो होगा, कंटेंट आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा या डायरेक्ट आप टाइप करते चले जाओगे, जो स्क्रोलिंग वाला प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो जितने भी डाउट हैं आपके दिमाग में उन सब का आंसर आपको मिलने वाला है। उसके अलावा बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है जैसे के पैटर्न पे, उसके अलावा सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहेगा ताकि आप टाइपिंग की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। कैटेगरी वाइज जो है सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, UR वाले, OBC वाले, SC ST वालों के कितने नंबर बनने हैं ताकि उनको टाइपिंग की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितना स्कोर हो ताकि आप टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाओ। तो इस पर जो है स्पेशली मैंने वीडियो बना दिया है कट ऑफ का, अगर आप चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूँ। अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो अगर आप 90 या उसके आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए। अगर आप OBC और EWS से हैं तो अगर आप 85 के आसपास हैं तो टाइपिंग की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए। उसके अलावा SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं वो आप अगर 80 को टच कर रहे हो तो आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिल गया होगा कि टाइपिंग अभी से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किसको करना चाहिए। और ये भी है, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि टाइपिंग की प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग जो है वो आपका बहुत जल्द करा लिया जाएगा। तो अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि जब रिजल्ट आएगा तब हम टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 35 की स्पीड आपसे मांगी गई है और 35 की स्पीड कोई आसान बात नहीं है। अगर आपकी 40 प्लस स्पीड होगी तभी आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अभी से जो टाइपिंग है उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और ऐसे सॉफ्टवेयर पर करो जिसका पैटर्न बिल्कुल JSA जैसा हो। अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो टाइपिंग है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आपका जो टाइपिंग है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल कंप्यूटर ओनली, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ भी है टाइपराइटिंग टेस्ट विल बी असेस्ड ऑन PC। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो एक लाइन ये लिखी हुई है 50 मार्क्स का आपका टाइपिंग होगा जिसमें पासिंग मार्क्स जो होंगे वो 20 होंगे। दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, और यहाँ पे 1:3 के रेशियो में बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 3 गुना बच्चे ही क्वालिफाई किए जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे टाइपिंग की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अमूमन क्या होता है कि टाइपिंग जैसे एग्ज़ाम में 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 गुना बच्चों को बुला रहे हैं। इसका मतलब है जो बच्चा टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेगा उसके कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुना बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई कराएंगे और यहाँ पे 50 मार्क्स का टाइपिंग होगा, 20 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो हैं वो 20 हैं। तो ये किस तरीके से यहाँ पे स्कोर दिया जाएगा, ये एरर के बेस पे आपका जो स्कोर है वो दिया जाएगा। जितनी ज़्यादा जो एरर करेगा उसको उतने कम मार्क्स मिलेंगे, जो जितनी हाई एक्यूरेसी के साथ करेगा उसको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 20 से कम मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो स्कोर है वो किस तरीके से मिलेगा, कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई करेंगे उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बैक स्पेस जो है वो काम करेगा या नहीं काम करेगा। देखो अभी ढेर सारा कन्फ्यूजन है इसके बारे में कि बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा। देखो अमूमन जितनी भी ऑनलाइन टाइपिंग होती है उनमें बैक स्पेस आपका अलाउ होता है, लेकिन यहाँ पे CBSE इसका एग्जाम कराएगा तो उसने जो इससे पहले जो एग्ज़ाम कराया था KBS का आई थिंक, तो उसमें जो बैक स्पेस था वो अलाउ नहीं था। ठीक है, तो आप बैक स्पेस को इस तरीके से, सबसे पहले देखो स्पीड अगर आपको बनानी है तो आप जो है
बैक स्पेस आपको शुरुआत में यूज़ करना पड़ेगा जब आपकी एक स्पीड एक मतलब सेचुरेटेड लेवल पर पहुंच जाएगी। मान लेते हैं आपकी 40 की स्पीड हो गई, उसके बाद आप बैक स्पेस को जो है बिना बैक स्पेस के जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। तो बैक स्पेस शुरुआत में आपको यूज़ करना पड़ेगा और 99% चांस है कि यहाँ पे बैक स्पेस आपका अलाउ होगा। 1% हो सकता है कि बैक स्पेस ना अलाउ हो। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फोकस पहले करना है अपनी स्पीड पे, जब स्पीड होगी तभी आप बिना बैक स्पेस भी टाइपिंग को कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग किस तरीके का होगा, कैसा इंटरफेस होगा। तो इस तरीके से आपका टाइपिंग होगा, ऑन स्क्रीन आपका टाइपिंग होगा, इस तरीके से आपका कंटेंट शो होगा। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट आपको टाइप करना पड़ेगा, इस तरीके से आपका नाम हो, यहाँ पे फोटो होगा, यहाँ पे आपका जो है नाम होगा, इस तरीके से आपका जो टाइमर है वो चलता रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 मिनट का टाइपिंग है, 10 मिनट का टाइपिंग होगा, यहाँ पे आपको 1750 जो की स्ट्रोक हैं वो आपको टाइप करने हैं। तो जैसे जैसे ये टाइम कम होता रहेगा वैसे वैसे जो है आपको इस पे फोकस करनी, जैसे आपका टाइम जो है यहाँ पे जितना बचेगा वो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है कंटेंट टाइप करना होगा, कंटेंट पूरा शो नहीं होगा। 1750 अगर आपको की स्ट्रोक मारने, तो आप ये मान के चलो कि ये कंटेंट कम से कम आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, यानी कि 1/3 कंटेंट ही आपको शो करेगा, 4 से 5 लाइनें ही आपको शो करेंगी। इस तरीके से स्क्रॉल बटन होगा, यहाँ से आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपका टाइपिंग का इंटरफेस होगा। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, जो आपका जैसे का टाइपिंग होगा वो बिल्कुल SSC CHSL के पैटर्न पे होगा, इसी तरीके से CHSL में होता है। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, इसमें हम आपको 250 वो पैसेज दे रहे हैं जो CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस कर लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना बेस्ट प्लान जो है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखो, आपको अभी से ऐसे सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करनी है जैसे वहाँ पर आपका टाइपिंग होगा। इससे क्या है कि आप हैबिचुअल हो जाओगे इस तरीके से टाइपिंग में। तो वहां पे क्या है कि आपका जब टाइपिंग होगा तो आपको ऐसा नयापन नहीं लगेगा। ठीक है, और टाइपिंग में शुरुआत में क्या है कि आपको कीबोर्ड चेंज नहीं करना है, शुरुआत में जो है अपनी स्पीड जो है वो एक ही कीबोर्ड से बनानी। जब आप एक सैचुरेटेड लेवल पे पहुंच जाओगे एक्सपेरिमेंट, तभी आपको करना है, तभी आपको कीबोर्ड भी चेंज करना है, तभी आप बैक स्पेस बिना बैक स्पेस के भी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। तो आई थिंक आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे, जैसे कि यहाँ पे टाइपिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो मैंने आपको बता दिया आपका जो टाइपिंग होगा वो ऑनलाइन होगा। उसके अलावा स्कोर कैसे काउंट करेंगे, एरर के बेस पे काउंट करेंगे, बैक स्पेस 99% अलाउ आपका होगा, और बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है मैंने आपको बता दिया कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। तो इस पे आप जो हमने यहाँ पे आपको 250 पैसेज दिए हैं, बस इन्हीं को आप प्रैक्टिस कर लो, बार बार प्रैक्टिस करो, कम से कम आपको 3 बार प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो हमने इतना कम रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। 3 महीने का जो प्लान है वो केवल 199 रुपीज़ का है। तो एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि परचेज करो, पहले आप डेमो दो, अगर डेमो से आप सेटिस्फाई होते हो तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट थे टाइपिंग के रिगार्डिंग वो आपके क्लियर हो पाए होंगे। बाकी मैंने आपको सेफ स्कोर भी बता दिया कि UR वाले बच्चों का अगर आपका 90 स्कोर बनना है या उसके आसपास बनना है तो आप टाइपिंग में लग जाओ, ठीक है, विदाउट टाइम खराब किए हुए। अगर आप OBC और EWS से तो 85 के आसपास अगर हैं तो टाइपिंग में लग जाइए, SC ST से हैं तो 80 के आसपास है तो टाइपिंग की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।